हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो के थ्रू हम कवर कर रहे हैं चेंजेस इन द बॉडी आफ्टर डेथ। तो डेथ के बाद जो भी बॉडीली चेंजेस होने वाले हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे थ्रू दिस वीडियो। अगर इस वीडियो में कवर नहीं हो पाया तो आगे आने वाली कुछ वीडियोज़ में हम इसे कवर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्टमार्टम चेंजेस। पोस्टमार्टम, पोस्ट मीन्स बाद में, मॉर्टम का मीनिंग होता है डेथ, एंड पोस्ट मीन्स बाद में, मॉर्टम का मीनिंग होता है डेथ। तो डेथ के बाद जो भी चेंजेस आएंगे उसे हम कहते हैं पोस्टमार्टम, ओके। तो जो भी डेथ के बाद वाली कंडीशन होगी उसे हम कहेंगे पोस्टमार्टम। और एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं एंटीमार्टम। एंटीमार्टम क्या होता है? डेथ के पहले वाली कंडीशन को हम कहते हैं एंटीमार्टम। डेथ अगर नहीं हुई है उसके पहले जो भी बॉडीली चेंजेस है या फिर जो भी सिचुएशनल चेंजेस है उन्हें हम कहते हैं एंटीमार्टम। तो इस वीडियो में क्या क्या है हमारा, इस वीडियो में नहीं, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या है? तो चेंजेस इन द बॉडी आफ्टर डेथ में क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कूलिंग ऑफ द बॉडी, जिसे हम कहते हैं अल्गर मोर्टिस। जिसे हम कहते हैं अल्गर मोर्टिस या कूलिंग ऑफ द बॉडी, ये आ जाएगा पोस्टमार्टम चेंजेस में। चेंजेस इन द आई, आई आई में भी जो चेंजेस होंगे आफ्टर आफ्टर डेथ वो भी हम पढ़ेंगे। चेंजेस इन द स्किन, स्किन में भी कुछ चेंजेस आएंगे जिसे हम कहते हैं लिवर मोर्टिस, पीएम लिविडिटी या हाइपोस्टासिस। तो ये सारे के सारे टर्म्स आ जाएंगे चेंजेस इन द स्किन, स्किन में जो भी चेंजेस आएंगे उसके अंदर। एंड चेंजेस इन द मसल, मसल में जो भी चेंजेस आएंगी उसे हम चेंजेस इन द मसल के अंदर पढ़ेंगे। और उसमें बेसिकली क्या क्या है, क्या है प्राइमरी रिलैक्सेशन, राइगर मोर्टिस एंड सेकेंडरी रिलैक्सेशन। तो ये इंपॉर्टेंट, तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें चेंजेस इन द मसल के अंदर आ जाएंगी, प्राइमरी रिलैक्सेशन, राइगर मोर्टिस और कैडावेरिक स्पाज और सेकेंडरी रिलैक्सेशन। तो आगे आने वाले हम वीडियोस में, आगे आने वाले हम स्लाइड्स में सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम करेंगे कूलिंग ऑफ द बॉडी डिस्कस, जो है अल्गर मोर्टिस जिसे हम कहते हैं कूलिंग ऑफ द बॉडी, हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू, जो कि एक पोस्टमार्टम चेंज है। पोस्टमार्टम मीन्स डेथ के बाद बॉडी की चेंज जो होता है कूलिंग ऑफ द बॉडी होती है, जिसे हम कहते हैं अल्गर मोर्टिस। तो शुरू करते हैं हमारा पहला इंपॉर्टेंट सब टॉपिक, चेंजेस ऑफ आफ्टर द डेथ में कूलिंग ऑफ द बॉडी या अल्गर मोर्टिस। कूलिंग ऑफ द बॉडी या फिर अल्गर मोर्टिस, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? इसका लिटरल मीनिंग होता है अल्गर मीन्स कोल्डनेस, मोर्टिस मीनिंग्स डेथ। अभी पोस्टमार्टम में भी मैंने बताया मोर्टिस का मीनिंग होता है डेथ, पोस्ट का मीनिंग बाद में होता है, यहाँ पे अल्गर का मीनिंग क्या होता है? कोल्डनेस। तो आफ्टर डेथ या डेथ वाली जो कोल्डनेस होती है उसे हम कहते हैं अल्गर मोर्टिस, ओके। तो अल्गर मोर्टिस हम कहेंगे कोल्डनेस ऑफ दी डेथ, और कोल्डनेस या डेथ को हम कंपाइल करके साथ में हम ये कह सकते हैं कूलिंग ऑफ दी बॉडी आफ्टर डेथ। तो ये क्यों होता है? ड्यूरिंग द लाइफ देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ द हीट And its loss. तो जब भी कोई person alive होता है, जिंदा होता है, तो there is a balance between the production of heat and loss of the heat. तो heat का production भी होता रहता है, heat की loss भी होती होती है, और इन दोनों में एक perfect balance बना हुआ होता है। Balance की वजह से ये सारी चीज़ें मैनेज होती चली जाती हैं। आफ्टर द डेथ हीट प्रोडक्शन स्टॉप्स। अब डेथ हो जाने के बाद क्या होता है? जो प्रोडक्शन ऑफ हीट हो रही है बॉडी में, जो जनरेशन ऑफ हीट हो रहा है बॉडी के अंदर, वो स्टॉप हो जाएगा, है ना। जो ये बैलेंस है वो फिर बिगड़ जाएगा आफ्टर डेथ। तो डेथ के पहले हीट प्रोडक्शन एंड लॉस बैलेंस्ड वे में काम करता है, एंड देन आफ्टर डेथ जो हीट प्रोडक्शन है बॉडी के अंदर वो स्टॉप हो जाती है। अब हीट प्रोडक्शन बॉडी के अंदर स्टॉप हो जाएगी तो जो बॉडी है ऑब्वियसली कोल्ड होगी, उसका जो टेम्परेचर है वो गिरेगा। प्रोग्रेसिव फॉल ऑफ टेम्परेचर इज़ इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ डेथ। येस, जो प्रोग्रेसिव फॉल है टेम्परेचर का, जो धीरे धीरे जो टेम्परेचर का कम होना है, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ डेथ। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइन है डेथ में। इट फॉल अंटिल द बॉडी एक्वायर एनवायरमेंटल टेम्परेचर। तो ये कब तक इसका टेम्परेचर कम होता है, कब तक ये टेम्परेचर में फॉल दिखाती है बॉडी? जब तक इन्वायरमेंटल जो टेम्परेचर है उसके वो एक्वायर ना कर ले वो बॉडी। जितना भी टेम्परेचर है एन्वायरमेंट का, उतने टेम्परेचर पे जो बॉडी है वो धीरे धीरे टेम्परेचर फॉल होके उस तक पहुंच जाती है। एंड कूलिंग हेल्प टू एस्टिमेट द टाइम सिंस डेथ।
अब ये कूलिंग को हम मॉनिटर करके क्या पता लगा सकते हैं, टाइम सिंस डेथ, कि कब कितने देर पहले कितने घंटे पहले उस बॉडी की डेथ हो चुकी है। तो जो कूलिंग ऑफ द बॉडी है उसे हमें मॉनिटर करना होगा और तब हम फिर टाइम सिंस डेथ का पता लगा सकते हैं। जैसे कि अभी हमने जस्ट बात करी कि जो टेम्परेचर है वो फॉल होता है, और जैसे ही टेम्परेचर फॉल होता है वो तब तक फॉल होता है जब तक एनवायरमेंटल टेम्परेचर के इक्वल ना आ जाए वो। तो जैसे हमने बात करी, बॉडी का टेम्परेचर तब तक फॉल होगा जब तक एनवायरमेंटल जो टेम्परेचर है वहाँ तक वो ना पहुँच जाए, और इसे हम मॉनिटर करके एस्टिमेट कर सकते हैं टाइम सिंस डेथ। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ रिकॉर्डेड बाय द केमिकल थर्मामीटर। अब जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हम केमिकल थर्मामीटर से मॉनिटर करते हैं, केमिकल थर्मामीटर से रिकॉर्ड करते हैं, नॉट दी क्लिनिकल वन। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, जब हमें फीवर आता है, जब हमें बुखार होता है, तो जिस थर्मामीटर से हम हमारा टेम्परेचर नापते हैं, हमारा टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं, उस टेम्परेचर को हमें यूज़ नहीं करना है टू रिकॉर्ड दी फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ दी डेड बॉडी। तो जो टेम्परेचर है उसे हम केमिकल थर्मोमीटर से रिकॉर्ड करेंगे। इट इज़ इंसर्टेड इन द रेक्टम 8.10 सेंटीमीटर। तो इसे इंसर्ट करना होगा रेक्टम में टू मॉनिटर टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर आफ्टर टेकिंग द स्वैब। अगर जो भी इंपॉर्टेंट स्वैब्स है वो आपको पहले ले लेना है बिफोर रिकॉर्डिंग दी टेम्परेचर। और इंसर्टेड इन द नोस्ट्रल्स, या तो फिर आप नोस्ट्रल में इंसर्ट करके टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये दो वे हैं टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के। इसके अलावा एक और वे है, इट इज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड मेकिंग अ स्लिट इन टू इन अबडोमिन। तो अबडोमिन में आप एक स्लिट लगा सकते हैं और उसे फिर आपको इंसर्ट करना होगा लिवर में। तो लिवर में वो केमिकल थर्मोमीटर इंसर्ट करने के बाद हम टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट अगर आप स्लिट कट कर रहे हैं, एब्डोमेन पे स्लिट बना रहे हैं और लिवर के थ्रू टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको इस वुंड को रिकॉर्ड करना होगा, इस वुंड को भी आपको रिकॉर्ड करना होगा ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि आपने टेम्परेचर नापने के लिए, आपने टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए ये एक वुंड क्रिएट किया है। एग्जामिनर को ये मालूम होना चाहिए जब भी कोई भी एग्जामिनर उस बॉडी को एग्जामिन करेगा। तो ये आपको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है कि आपने एब्डोमिन पे स्लिट लगाया है एंड लिवर के थ्रू आपने टेम्परेचर नापने के लिए ये स्लिट का यूज़ किया है। इट इज़ स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर डेथ इन नॉर्मल कंडीशन। तो जब ये अल्गर मोर्टिस है, इट इज़ स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर डेथ, डेथ के तुरंत बाद ही जो कूलिंग ऑफ द बॉडी है वो शुरू हो जाती है इन नॉर्मल कंडीशंस। अब नॉर्मल कंडीशंस क्यों बोला हुआ है, जब कोई ऐसा कंडीशन है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मई जून का महीना है, इंडिया में बहुत गर्मी होती है, तो वैसे कंडीशंस के लिए हमने यहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस की बात करी है कि नॉर्मल कंडीशंस में इट स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर द डेथ, डेथ होने की इमीडिएटली इट स्टार्ट्स। बट इन स्पेशल कंडीशन तुरंत स्टार्ट नहीं होता है अल्गर मोर्टिस, वो आगे हम देखेंगे कि कब कौन से कंडीशन में अल्गर मोर्टिस तुरंत स्टार्ट नहीं होता है। डेवलपमेंट ऑफ अल्गर मोर्टिस, तो अल्गर मोर्टिस डेवलप कैसे होती है, कूलिंग ऑफ द बॉडी डेवलप कैसे होती है, इफ देर इज़ एनी डिसीज बिफोर डेथ टेक इन टू कंसिडरेशन। अब उस पर्सन का जो भी उस पर्सन का हेल्थ इश्यूज़ है उसे आपको कंसीडर करना होगा। डेथ के पहले अगर कोई भी टाइप की डिजीज़ है, किसी भी प्रकार की डिजीज़ है उस पर्टिकुलर पर्सन को, तो यू हैव टू टेक अकाउंट ऑफ इट। द कूलिंग ऑफ इंटरनल बॉडी सर्फेस इज अचीव्ड बाय कंडक्शन। तो अब हमने ये तो पता कर लिया, चलो ठीक है, तब तक कूलिंग ऑफ द बॉडी होगी जब तक इन्वायरमेंटल टेम्परेचर अक्वायर ना कर ले बॉडी। बट आउटर जो बॉडी पार्ट्स है वो तो कूल हो जाएगी, इंटरनल बॉडी पार्ट्स भी तो कूल होंगे, क्योंकि जो प्रोडक्शन हीट का वो बंद हो चुका है। तो जो प्रोडक्शन हीट का बंद हुआ है, और इनर बॉडी सर्फेसेस कैसे कूल होंगे, कंडक्शन के थ्रू इनर बॉडी पार्ट्स भी कूल होंगे थ्रू कंडक्शन। आफ्टर डेथ टेम्परेचर इज़ नॉर्मल फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। डेथ के बाद एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है। देर इज़ नो फॉल इन टेम्परेचर इन रेक्टम फॉर अबाउट 45 मिनट्स। तो डेथ के 45 मिनट्स तक रेक्टम में कोई भी टेम्परेचर फॉल नहीं होता है, एंड दिस फेज इज़ नोन एज आइसोथर्मिक फेज। अब इस फेज को हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मिक फेज कहते हैं। जब एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए
जो भी टेम्परेचर का फॉल है वो स्टॉप हो जाता है या टेम्परेचर पे फॉल देखने को नहीं मिलता, तब उस कंडीशन में हम उसे कहते हैं आइसोथर्मिक फेज़। टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, टेम्परेचर फॉल नहीं हो रहा है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इन ट्रॉपिकल कंट्री हीट लॉस इज 0.5 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर। तो जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है उनमें हीट लॉस कैसे होता है, 0.5 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर के हिसाब से बॉडी की हीट लूज होती जाती है। बॉडी अटेन्स इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इन अबाउट 16 to 20 आवर्स। तो जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पे आते आते कितना टाइम लग जाता है बॉडी को, 16 to 20 आवर्स, 16 से 20 घंटे बॉडी टेम्परेचर को इन्वायरमेंटल टेम्परेचर आने में इतना टाइम लगता है, इतना टाइम का कंजम्पशन होता है 16 to 20 आवर्स। और किस रेट से होता है ये टेम्परेचर ड्रॉप, 0.5 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर के कैलकुलेशन से ब्लड सॉरी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ड्रॉप होता है। तो टाइम सिंस डेथ आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, रेक्टल बॉडी टेम्परेचर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, एवरेज फॉल ऑफ टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड के रेट से हम इस जो कैल जो इस ये फॉर्मूला है इसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम सिंस डेथ। सम पार्ट ऑफ इंडिया हैव हायर टेम्परेचर, येस, जो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, दे हैव हायर टेम्परेचर इन समर्स। इन दिस कंडीशन टेम्परेचर इंक्रीजेस फॉर 2 आवर्स एंड देन फॉल्स। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, टेम्परेचर तो पहले बढ़ेगा, फॉल होने से 2 घंटे फॉल होने के बजाय डेथ के 2 घंटे बाद तक टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और उसके बाद टेम्परेचर का फॉल शुरू होगा, टेम्परेचर का फॉल स्टार्ट होगा। तो जो इंडिया में गर्म इलाके हैं समर के टाइम में उनमें और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, तब ऐसी कंडीशन में अगर डेथ हुई है तो टेम्परेचर फॉल होने के बजाय 2 घंटे तक उसका टेम्परेचर बढ़ेगा एंड देन टेम्परेचर का फॉल शुरू होगा। ओके, दिस कंडीशन इंक्लूड्स सन स्ट्रोक। अब ऐसी कंडीशन क्या क्या इंक्लूड कर सकती है, सन स्ट्रोक विथ प्रोटीन हेमरेज, तो इसमें भी आपको ऐसी कंडीशंस देखने को मिलेगी जो लिवर जो एल्गर मोर्टिस में देखने को मिलती है। बिफोर डेथ, डेथ के पहले अगर सन स्ट्रोक हुआ है या प्रोटीन हेमरेज हुई है तब ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है एल्गर मोर्टिस पे। टिटनस एंड स्ट्रिग्नीन पॉइजनिंग में भी हमें ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। अक्यूट एंड बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन में भी हमें ऐसी कंडीशंस देखने को मिलेगी एंड अल्गर मोर्टिस। ओके, रेट ऑफ कूलिंग, अब जो रेट ऑफ कूलिंग है वो किन पे डिपेंड करता है, अब जो कूलिंग हो रही है बॉडी की वो भी कुछ फैक्टर्स पे, कुछ किन्हीं फैक्टरों पे डिपेंड करता है। तो वो कौन कौन से फैक्टर है, एज एंड कंडीशन ऑफ दी बॉडी। पहले तो ये देखेंगे कि उस बॉडी की कंडीशन क्या है, उस बॉडी की एज क्या होगी। फिर आएगी बात मोड ऑफ डेथ पे कि कौन से मोड के थ्रू डेथ हुई है। सराउंडिंग कैसा है, जहाँ पे भी डेड बॉडी प्रेजेंट है वहाँ का सराउंडिंग कैसा है, हॉट है, कोल्ड है, नॉर्मलाइज्ड है, कैसा उसका सराउंडिंग है हमें वो देखना होगा। इसके अलावा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर की, उसका इन्वायरमेंटल उसके आसपास सराउंडिंग में ही आ जाएगा, समझ लो कि जो सराउंडिंग है उसका इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कैसा है। तो ये सारे के सारे रेट ऑफ कूलिंग को अफेक्ट करते हैं, दीज फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ कूलिंग इन एल्गर मोर्टिस। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं एल्गर मोर्टिस को। अच्छा, तो इसके बाद पोस्टमार्टम कैलोरीसिटी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। यहाँ पे हमने कूलिंग ऑफ दी बॉडी कंप्लीट कर ली है कि कूलिंग ऑफ दी बॉडी क्या होती है। कूलिंग ऑफ दी बॉडी को हम एल्गर मोर्टिस भी कहते हैं, इट इज़ वन ऑफ दी पोस्टमार्टम चेंजेस। या तो कूलिंग ऑफ दी बॉडी को एल्गर मोर्टिस भी कहते हैं। डेवलपमेंट कैसे होती है एग्जैक्टली, इसके बारे में हमने सारा कुछ पढ़ लिया, रेट ऑफ कूलिंग भी पढ़ ली। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पोस्टमार्टम कैलोरीसिटी एंड देन चेंजेस इन दी आईज। तो ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो भी अपकमिंग वीडियोस में कंप्लीट करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।